ये जो निज़ाम हमारे खिलाफ चला हुआ है ना कि ये बड़े इंतहा पसंद हैं और ये बड़े जनाब वो बड़ी सख्त बातें करते हैं, कभी किस रूप में इजलास होते हैं, कभी किस रूप में इजलास होते हैं, कहाँ वो इकबाल कलंदर लाहौरी थे, मैं गल कर रहा हूँ ताकि बाद तो समझ भी आवे। इकबाल कहता है कि पिसर्रा गुफ्त पीरे खर का बाजे, तुराई नुकता बायद हिरज जाकर, ब नमरूदा ने ई दौर आशनाई बाश, ज़फ़ैज़ शाम बरा हीमी तवा कर। इकबाल कहने लगा कि एक जमाना साज पीर अपने पुत्र नू कहन लगा, पुत्रा ए गल तू पल्ले बांध के रखनी। इकबाल कहन लगा कि एक जमाना साज पीर ने अपने पुत्र नू गल की थी, उन्हें कहा तुराई नुकतबा यद हिरजे जा कर, कहना पुत्रा ए गल पल्ले बन के रखनी, ए नहीं बोलनी मेरी गल। उन्हें कहा की? उन्हें कहा कि ब नमरूदा ने ई दौर आशनाई बाश। कहन लगा इस दौर के जेडे नमरूद हैं ना उन्होंने यारी ला के रखनी, जेड़ी हुकूमत आवे जिस दौर का नमरूद जेड़ा आवे उहदे नाल यारी ला के रखनी। लेकिन लोगों तो कहना है उन्होंने मिले हुए हैं, ज़फ़ैज़ शाह बराहिमी तवा कर, उन्हें कहा नमरूदा नाल यारी भी लैनी तो उन्होंने को फैज लैके नमरूदा को फिर बराहिमी का डोंग भी रचाना कि जी असी तो बुत प्रस्त तोड़न वाले हाँ जी, असी तो नमूस रिसालत। हाँ जी हाँ, क्यों जी? इकबाल कैसी बात कर गया? हाँ कहना इन्होंने यारी भी ला लानी तो कहना जी असी भी नमूस रिसालत, साढ़े हजरत साहब नमूस रिसालत बड़ी कुर्बानी दिती। तो मैं कहा फैजाबाद वाले कितने सन? तवज्जो तवज्जो भाई। तो जो फैजाबाद गोलियां चल रही सन आप उस वेल कितने सन? जो लोग शहीद हो रहे सन उस वेले कितने सन? तो जो मुमताज कादरी तख्तादार की तरफ जा रहे थे उस वेले कितने सन? तो जो मुमताज शहीद हो गया जी तो केड़ियां-केड़ियां खबरां अखबार आंदियां ने टीवी ते, वो मैं मिंबर ते बह के गल नहीं करता, हर गल की खबर चल जाती। तो मुमताज कादरी के जनाब करोड़ों बंदे जनाजे की खबर क्यों ना चली? हाँ जी ए इस तरह गल नहीं होनी। हाँ उत्थे नहीं गल ये चलती। हाँ जी उत्थे गल नहीं चलती, उत्थे गल बड़ी हो रही। हाँ जी ये बिल्कुल इंज नहीं होना। ए हल्का है दुर्वेशां और वो मर्द खुदा कैसा, हाँ वो मर्द खुदा कैसा जी जड़ा फांसी के फंदे की तरफ इंजन जा रहे थे। हाँ जी ओ हल्का है दुर्वेशां और वो मर्द खुदा कैसा, वह जड़ा फांसी के फंदे दिते खड़ के भी कहता लबैक या रसूल अल्लाह, ओए हल्का है दुर्वेशा वो मर्द खुदा कैसा, हल्का है दुर्वेशा वो मर्द खुदा कैसा। क्यों जी इस पे मैं और मजीद गल नहीं करना चाहता, बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो जाती साड़ी गलों की। एक ही बात हुई जब हजूर की गल आ गई, हजूर युरीदू न युत्फियू नूर अल्लाह बिअफवाहिम, अल्लाह ताला फरमाता है कि लोग अपने मुंहों के जरिए अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते हैं, दीन के खिलाफ सारे तुसी इकट्ठे हो जाते हो, कभी तुम्हारे मुंह में गल दीन दी नहीं निकली, कभी तुसी ये नहीं किया कि यार पाकिस्तान अल्लाह का बड़ा वड्डा है जनाब एहसान है साढ़े उत्ते, साढ़े लखा कुर्बानियां हुई, जो लखा कुर्बानियां ना दें दे लोग तो फिर तुम्हें असम्बली दी सीटा लभनिया सन, फिर तुम्हें यह वजारता लभनिया सन, मुड़ के तुसी फिर पाकिस्तान। हजरत फारूक आजम जो मैं वो गल कई बार बयान की थी, लेकिन तुहाड़े याद दहानी वास्ते फिर सुनो, जब बैतुल मुकद्दस की फतह वास्ते गए तो अगे छोटी जी नहर आ गई तो हजरत उमर उतर पे तो आपने वो मौजे उतारे तो फजाला अला आते कहे, आपने दोवें अपने कंध्या उत्ते रख दिते, फकाल लहू अबू उबैदा या अमीर अल मोमिनीन तफल वाजा मा यसरुनी अन्ना अल शाम इस्तशरफूक, पर मैं अमीर अल मोमिनीन आप ये काम कर रहे हैं मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, मौजे यहां रखे जाते हैं पूरे अल शाम यहूदी देख रहे हैं, वो तो यही देख रहे हैं कि इनका अमीरुल मोमिनीन कैसा है, उसका रंग ढंग क्या है, उसके अदब आदाब क्या है, उसका चलना कैसा है, उसका लिबास कैसा है, आप ये क्या कर रहे हैं मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। अबू उबैदा बिन जर्रा ने ये बात कर दी, फकाल अब्बा, हजरत उमर लंबी सांस खींची, फरमाया लो यकूलो जा गैरों का अबा उबैदा था جعلته نقالا للامه انا كنا ازل قوم فعزنا الله بالاسلام فما نطلب العزه بغير ما عزنا به ازلنا الله ترجمان نبی ہم زبان نبی سبحان اللہ تم اسلام کا جو نام لیتے ہو ان کا مذاق اڑاتے ہو یہ انتہا پسند ہیں
इनके अंदर इस्लाम बड़े तामुल का दर्स देता है। और मैं आका तामुल का दर्स तब देता है कि हजरत उमर का पांव चलते हुए गली के अंदर किसी के पांव पर आ जाए तो उस वक्त बंदा वो कहे कि तो नजर नहीं आता, तो हजरत उमर माजरत करें यार मैं पता नहीं चलिया। लेकिन गल जो दीन दी आ जाए, गल जो नामूसे रिसालत दी आ जाए, तो फिर तो हजरत उमर इतनी देर भी न की थी जिन्हें हजूर का फैसला न मनिया, सिर्फ अंदर तलवार दे लाने की देर की थी, आके आपने सर तन न जुदा किया। आपने फरमाया हा कदा अकदी बिमा लम यरदा बिकदा अल्लाह व रसूली, फरमाया जो अल्लाह रसूल के फैसले पर राजी नहीं उसका यही फैसला है जो उमर ने कर दिया है। साथ बैठ कर फिर सारे क्यों जी उन्होंने बैठ के प्रेस, इस्लाम बड़े तहमुल का दर्स देता है, बुरदबारी का दर्स देता है। मैं आखा सी पढ़े हुए जो तहमुल बुरदबारी दर्स क्यों जी, हुजूर दराज गोश होते तशरीफ लिया रहे क्यों जी, और उसके पैरों में खाक उठी, अब्दुल्ला इब्ने उबई अपना मुंह डांपया, आपने फरमाया क्या किया है तू, उन्हें जनाब इतनी देर जनाब गल गर्मो गर्म हो गई उसे, फिर खड़िया खड़िया उस गदे मुबारक ने हजूर दे दराज गोश ने पेशाब कर दिता। वो कह लगा इलैका अन्नी आजानी नतनो हिमारे का, हजूर इन दूर ले जाओ ये पेशाब ना सानू बड़ी ताफन फैलिया। तो साहब तहमल की बात है, उसने पेशाब के बारे में बात की क्यों जी, लेकिन फरमाया तुझे पता नहीं ये पेशाब किस जानवर का है। तहमल भी किया तो बुरदबारी भी गई, और मदीने के रहने वाला बाशिंदा और हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ने वाला अरबी दान फरमाए हुजूर का जो दराज गोश है उससे तू नफरत करता है, वल्लाहि लहिमारु रसूलिल्लाह अतयब रिहम मिनका, फरमाया रसूलुल्लाह का मुबारक जो है दराज गोश है वो तुझसे ज्यादा पाकीजा है। इश्क अपने फैसले, इकबाल कहता दी सरापा सोख्तन अंदर तलब, इंतहाज इश्क व आगाजश अदब, इकबाल कहता दीन तो नाम ही हुजूर की याद में जलने का है, इसकी इब्तिदा अदब है और इंतहा इश्क है, कि आज भी सिद्दीक अकबर हुजूर के पांव में लेटे हुए इश्क है इसकी अंदर। जोर इश्क अजबादो आबो खाक ने, इकबाल कहता इश्क का जरा जोर होता ना वे सारा बंद जड़न हो इतने सारे डोले हो रोजाना जनाब हरीसा खाँदा हो पांच किलो दुध शामी ते पांच किलो सवेरे ते डंड बैठता ते नाल बादाम ते फिर मिस्टर लाहौर बन जाए। इकबाल कहता ये मिस्टर लाहौर के लिए बादाम जरूरी, हाँ इसके लिए गोश्त जरूरी। मैं आखा फिर इकबाल इश्क के लिए क्या होता है, कहता हूँ जोर इश्क अजबादो आबो खाक नेस्त कुव्वत अचा सख्ती आसाब नेस्त। इकबाल कहना उथे डोले नहीं वेखे जाते, उथे बदन नहीं वेख्या जाता, उथे ते अब्दुल्ला बिन मसूद दी टंगा बारीक भी होवन, ते सहाबा नू हुजूर फरमान ये टांगे ओद पहाड़ से बढ़कर वजनी है। हाँ जी तवज्जो, हाँ इश्क दा जोर कुछ और ही होंदा, इश्क सुल्तान अस्तो बुरहाने मुबीन, इश्क रा हर दो आलम जेरे नगी, ला जमानो दो शफरदा यजू, ला मकानो जेरो बाला यजू। ये क्या बातें है, तुम जो उठता है बैग के खिलाफ बातें करता है।